भाइयों और बहनों, क्या आप भी इन झाटू एयरफोन से परेशान हो? बार बार उलझने की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी होती है, या फिर आपके मोबाइल के पिछवाड़े में कोई भी होल नहीं है जहाँ पर आप एयरफोन की पिन को लगा सको और गाने का लुत्फ उठा सको, तो भाइयों और बहनों आपके लिए ये वाली वीडियो बनी हुई है। इस वाली वीडियो में मैं आपके सामने इन एयरफोन को यहाँ पर कट करके इनको ब्लूटूथ वाला बनाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ये उलझने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके मोबाइल के पिछवाड़े में कोई होल नहीं है जहाँ पर आप अपने एयरफोन को लगा सको, वो वाली प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली। तो फटाफट से चालू करते हैं वीडियो, फटाफट चलते हैं स्टूडियो में और काम चालू करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले यहाँ पर पुराने वाले एयरफोन का यूज़ करेंगे। आपको ख़राब वाले भी मिल जाते हैं तो वो भी चल जाएंगे, बस आपको क्या करना है जो स्पीकर्स है वो चालू चाहिए। तो इनको यहाँ पर कट करने के बाद निकाल लेंगे दोनों स्पीकर्स को हम, और इन स्पीकर का हमें यहाँ पर यूज़ में लेना है। तो इनके पीछे के वाले जो वायर है उसको छील कर यहाँ पर निकाल लेंगे, मतलब नंगा कर देंगे इनको। और इस टाइप से अगर छीलोगे आप तो इसके अंदर से दो वायर निकलेंगे आपके सामने। इन दोनों वायर को अगर आप डायरेक्ट सोल्डरिंग करोगे तो बिल्कुल भी सोल्डरिंग नहीं होंगे ये। तो इसका एक तरीका है इनको सोल्डरिंग करने का। सबसे पहले आपको एक लाइटर लेना है या फिर कोई माचिस ले लेनी है, जिसके अंदर इसको जलाकर इस टाइप से इसके ऊपर की जो कोटिंग है उसको जला देना है, जिससे इसके अंदर का जो कॉपर का वायर है वो निकल जाएगा और आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पाइप ले लेंगे। आप बोलोगे यार इसके बीच में से पाइप कहाँ से आ गया? तो पाइप से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बॉडी। तो बॉडी बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक की शीट चाहिए होगी, जो हम प्लास्टिक के पाइप से बनाएंगे। तो इसको बीच में से इस टाइप से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे गैस पे गर्म करना है हमें। यहाँ पर मैं गैस टॉर्च का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास नहीं होगी ये तो आप गैस पे भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर हम खाना वाना बनाते हैं उसी गैस पे आप यूज़ कर सकते हो, और इसको गर्म करने के बाद इस टाइप की शीट बना सकते हो आप। तो इस टाइप की शीट बनने के बाद इससे हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इसकी बॉडी। तो यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग लगा दूंगा और कुछ टुकड़े पहले कट कर लूँगा, और इसकी जो साइज मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको वीडियो के बीच में मैं बताऊँगा भी यार। पहले मैं सारे के सारे टुकड़े कट कर लेता हूँ, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन सा साइज क्या मैंने यहाँ पर लिए। तो इस टाइप से मैं सीज़र का यूज़ कर रहा हूँ और इस पीस को कट कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर शीट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाली शीट ऑलरेडी पड़ी हुई तो उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई डिब्बा विब्बा पड़ा हो आपके पास प्लास्टिक का तो उसकी शीट भी आप कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको पाइप का ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, और सारे पीस हमारे कट हो चुके हैं, और इनकी जो साइज है आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दो दो पीसेस मैंने इन सारी पीसेस को कट किए हैं, तो इनों से हमारा बनेगा यहाँ पर बॉक्स। तो यार ये जो बॉक्स बनने वाला है काफ़ी ज़्यादा छोटा बनने वाला है, क्योंकि जो हम एयरफोन के साथ में लगाएंगे ना, बड़ी साइज का हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं काफ़ी छोटी साइज बनाने वाला हूँ। तो आपको अगर ये साइज अच्छी लगती तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बड़ी साइज का बनाना हो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन बड़ी साइज काफ़ी ज़्यादा भद्दी लगेगी और मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे छोटी साइज का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और इस टाइप का मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए इस टाइप से हमारा जो बॉक्स है मैं सुपर ग्लू के द्वारा चिपकाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने आधा ही बॉक्स बनाया, आधा हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ, जो हमारे मोबाइल से आने वाले सिग्नल को हमारे म्यूज़िक में कन्वर्ट करके हमारे एयरफोन को चलाएगा। तो इसकी जो साइज़ है देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, हमारी उंगली में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मैं एक बैटरी का यूज़ करूँगा। ये जो बैटरी है अभी काफ़ी टिंगी सी बैटरी है, देख सकते हो यार हमारी जो उंगली है इसके ऊपर की साइड में बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे आ रही है। तो इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, और इस चार्जिंग मॉड्यूल की जो साइज़ है ना यार वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो देख लीजिए हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसी साइज़ का यहाँ पर ये हमारी बैटरी चार्जिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्विच का यूज़ करूँगा, और इस स्विच की साइज़ जो है वो बिल्कुल मक्खी जो होती है उसी साइज़ का है, काफ़ी ज़्यादा छोटी साइज़ का है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड में फ़िट कर देंगे। तो इसको फ़िट करेंगे हम उल्टी साइज़ में, ठीक है, उल्टा हम यहाँ पर फ़िट करेंगे इसको। तो यहाँ पर मार्किंग लगा देंगे और जेक के लिए यहाँ पर कट लगा दे सबसे पहले। और इन सारी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इन सभी के नाम भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे थे इन सभी के नाम, तो उनको आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग लगा दी, और इस जेक के लिए यहाँ पर मैंने कट लगा दिया, और यहाँ पर एक होल भी किया है। ये होल इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर हमें इंडिकेट लाइट होती है जो हमें बताती है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में आपको वीडियो में और भी आगे पता लग जाएगा कैसे क्या इंडिकेट करती है। तो हमारे जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसके यहाँ पर आपको प्लस और माइनस के दो पिन दिखेंगे, इनों के अंदर हमारी बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करना है। प्लस वाले में रेड वाला पॉइंट लगाना है, और माइनस वाले में ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करना है इस टाइप से। अब हमने जो ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट किया है वहाँ से मैं
एक्स्ट्रा वाला वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, इसको हम यहाँ पर सप्लाई देंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल को, इससे डायरेक्ट देना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, एक रेड और एक ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर जो हमारे मक्खी के साइज का जो स्विच है उसके मिडल पॉइंट में, यहाँ पर तीन पॉइंट देखेंगे, इसके बीच वाले पॉइंट में हमने डायरेक्ट बैटरी से जो वायर कनेक्ट किया था एक्स्ट्रा वाला रेड कलर का वो कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा रेड कलर का वायर कनेक्ट करेंगे, जो प्लस का वायर है हमारा, ठीक है। और जो हमने एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट किया है उसको हमें यहाँ पर हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट करना है। तो आप इसको उल्टा करोगे तो आपको सारा सर्किट यहाँ पर प्रिंटेड दिखेगा, एल आउट, ए ग्राउंड और आर आउट, मतलब यहाँ पर हमारे स्पीकर के वायर लगेंगे, और वीसीसी और ग्राउंड में यहाँ पर सप्लाई देनी। वीसीसी का मतलब यहाँ पर प्लस है और ग्राउंड का मतलब माइनस है। तो वीसीसी में यहाँ पर मैं हमारी जो सप्लाई आ रहा है स्विच के द्वारा प्लस का, उसको लगा देता हूँ, इस टाइप से सोल्डरिंग कर देता हूँ। और हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पर हमें डायरेक्ट बैटरी से जो हमारा वायर आ रहा है ब्लैक कलर का, उसको यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से लगा देता हूँ, सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये फाइनली हमारा सप्लाई इसमें जा चुकी है। अब हमारे जो स्पीकर से उसके अंदर आपको देखा था चार हमें वायर मिले थे, तो एक एक वायर तो मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला जो दिख रहा है आपको आउट आउट उसमें लगा देता हूँ। और एक वायर जो हमारा एक्स्ट्रा जो बचा था हमारा, जैसे दो वायर और एक्स्ट्रा बचे हुए हमारे दोनों स्पीकर के, उन दोनों को मैं आपस में कॉमन करने के बाद ग्राउंड में लगा दूंगा। तो सिंपली हमने क्या किया, दो वायर जो लिए दोनों स्पीकर के, एक एक वायर लेकर ग्राउंड में लगा दिया और एक एक वायर को यहाँ पर लेफ्ट राइट में लगा दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार और समझा देता हूँ, एक वायर तो हमने लेफ्ट और एक में राइट में लगा दिया है, और एक एक वायर दोनों को मिलाकर हमने ग्राउंड में लगा दिया। तो तीन यहाँ पर सप्लाई हो चुकी है, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब यार इस बॉक्स के अंदर हमें पूरा सिस्टम फिट करना है, तो यार काफ़ी छोटी साइज है इसकी, तो वीडियो शूट करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि यार जो हमारा कैमरा है इतनी छोटी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। और इस कैमरे को भी मैंने पूरा सेटअप किया अलग से, एक्स्ट्रा कर हमने जुगाड़ लगाया और कैमरे को पूरा सेटअप किया, इसके बाद यहाँ पर ये मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। और यार यकीन मानिए इसको शूट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि यार काफ़ी छोटी साइज थी इसकी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई मुझे इसको शूट करने में, क्योंकि यार देख सकते हो कितनी बारीक सोल्डरिंग करनी पड़ी मुझे और सब कुछ करना पड़ा। तो यार हमारा जो कैमरा है वो बार बार हमें परेशान कर रहा था, हमारा जो फोकस है वो नहीं कर पा रहा था इस छोटी छोटी चीज़ों पर। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑटो फोकस से हटाकर मैनुअल फोकस पे लेकर सब कुछ कर कुरा कर इसको वीडियो को शूट किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने पीछे की साइड में स्विच को लगाया इस टाइप से, और इसमें अच्छा खासा ग्लू लगा दिया, सुपर ग्लू नहीं लगाया, ग्लू गन लगाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको पैक कर देंगे, और पैक करने के लिए यहाँ पर जो पीसेस कट किए थे उनको इस टाइप से लगा देता हूँ मैं, और सुपर ग्लू के द्वारा इसको चिपका देता हूँ। अंदर की साइड में मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है और बाहर की साइड में सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख लीजिए हमारा दोनों साइड में मैंने इस टाइप से हमारे पीसेस को लगा दिया, और स्विच के लिए यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए कट लगा दिया ताकि इसको स्विच को ऑन ऑफ कर सकें हम, ठीक है। अब ऊपर की साइड में यहाँ पर इसको हम लगा देंगे, इस टाइप से पैक कर देंगे और सुपर ग्लू से लगा देंगे इसको फिक्स। और यार इसमें बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि जो वीडियो है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई मुझे, क्योंकि बहुत ही छोटी चीज़ है, आपको अभी बड़ी साइज में दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको कैमरा फुल जूम कर रखा है इसलिए। अब यहाँ पर जो हमारा होल है इसको हमें यहाँ पर पैक करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसमें सबसे पहले ग्लू डाल दूंगा ग्लू गन के द्वारा इस टाइप से, आपको ग्लू गन का ही डालना है इसके अंदर, ग्लू सुपर ग्लू मत डालना वरना ख़राब हो जाएगी अंदर से। और ग्लू को सूखने के बाद हम यहाँ पर ब्लेड का यूज़ करेंगे, और ब्लेड से इसको ऊपर से बिल्कुल इस टाइप से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट कट हो जाएगा जिससे ये ग्लू दिखेगा नहीं हमें, और हमारा जो होल है वो भी पैक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा LED जलेगी वो बिल्कुल ब्राइट कलर देगी यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पर हम इससे कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा प्लास्टिक को, ताकि ये अच्छा स्मूथ दिखे, और सैंड पेपर से भी आप घिस सकते हो इसको और थोड़ी फिनिशिंग दे सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए फिनिशिंग हो चुकी है। अब ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा था पाइप का जो था, इसके लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर वाइट कलर की टेप चिपका रहा हूँ, आप कलर वाली टेप भी लगा सकते हो तो कोई डेकोरेट हो जाए ये। और देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी छोटी साइज हमारे हथेली में बिल्कुल आसानी से आ चुका है ये। और इसकी जो LED है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम चार्ज लगाएंगे तो इस टाइप से रेड कलर की LED ब्लिंक करेगी हमारी, ब्लिंक नहीं करेगी बस लगती हुई रहेगी यहाँ पर, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इसे, और कुछ टाइम बाद देख सकते हो हमारी जो ब्लू कलर की LED चालू हो चुकी है, मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, और हमारी बैटरी पर कनेक्शन हमारा जो वायर जा रहा है चार्जिंग वाला ये कट चुका है, तो हमारी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी इससे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी।
अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसे चला कर दिखा देता हूँ आपको, लेकिन इसके जो एयरफोन है इनको आपको कैसे लगाऊँ आपके कान में, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर जुगाड़ करता हूँ कुछ, उसके बाद आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि रियली में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे, हमने स्विच को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर ब्लूटूथ हम सर्च करेंगे, और सर्च करने पर यहाँ पर 3.0 BT नाम से इसका आ रहा है, तो इसको यहाँ पर पेयर कर लेंगे, और पेयर करने के बाद इसको मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यूट्यूब चालू करते हैं, और यहाँ पर मैंने जुगाड़ लगाया आपको समझाने के लिए कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं आ रहा है, आप बोलोगे कोई दूसरा एयरफोन मैंने चला के दिखा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो कैमरे का माइक है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर सुन लीजिए आप इसकी आवाज़, आपको पता लग जाएगा। तो भाई अभी हाल देखा आपने, मतलब सुना आपने कि मतलब अच्छे रियली में वर्क कर रहे हैं। अभी मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, वो कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है आपको। अब मैं वापस से चालू करता हूँ। तो देखा आपने यार, रियली में वर्क कर रहा है ये। और अब यहाँ पर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ वापस से कि ये जब चालू होता है तो कैसा साउंड देता है। अब यहाँ पर म्यूजिक चालू करके देखते हैं। तो भाई अब इसको डायरेक्ट कान में लगा देंगे इस टाइप से हमारे, और ये जो हमारे देख सकते हो ब्लूटूथ वाला जो मॉड्यूल है इसका, इसको हम शर्ट के अंदर डाल देंगे जो दिखेगा नहीं बाहर से, और हमारे जो गाने वो चालू करेंगे और इस गानों का म्यूजिक का जो हमारे लुफ्त है वो उठाते रहेंगे। तो यार ये चीज़ आप भी घर पे बनाना काफ़ी आसानी से बन जाती है, काफ़ी सस्ती भी और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने बनाया या फिर नहीं बनाया इसको, ठीक है। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब ठोक देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।